तो दोस्तों कल हमारी गाड़ी की फोर्थ सर्विस जो कि 20,000 किलोमीटर पर होनी थी वो हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ गाड़ी में क्या क्या काम हुआ था और आप अपने कुछ पैसे कैसे बचा सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपनी गाड़ी की फोर्थ सर्विस कराने जा रहे हैं जो होती है 20,000 किलोमीटर पर। मेरी गाड़ी की सर्विस ओवर हो चुकी है, 21,000 समथिंग चल चुकी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं बहुत बिजी चल रहा था। तो आज इसकी सर्विस कराने चलते हैं, देखते हैं फोर्थ सर्विस में क्या कुछ काम होता है और कितना इसका खर्चा आता है। गाड़ी की हालत इस टाइम बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, आपको एक बार गाड़ी का लुक दिखा देता हूँ। जो सर्विस होनी थी वो होनी थी 20,000 किलोमीटर पर और ये काफी ओवर हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी हो चुकी है, अभी ये हो चुकी है 21,743 किलोमीटर। लास्ट टाइम मैंने जो सर्विस कराई थी वो करवाई थी 9785 किलोमीटर पे, यानी कि मुझे करवानी थी 19,785 पे। देर हो गई तो हो गई, चलिए चलते हैं मारुति में और सर्विस कराते हैं। हम पहुंच चुके हैं मारुति के सर्विस स्टेशन पर। अब यहां सर्विस एडवाइज़र हमारी गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग जॉब कार्ड बनाएंगे। तो टेस्ट ड्राइव में हमारी गाड़ी में कोई भी कमी नहीं निकली है और बस वही काम होगा जो फोर्थ सर्विस यानी 20,000 किलोमीटर में होता है। तो चलिए जल्दी से गाड़ी में से अपना वैल्यूएबल सामान निकाल लेते हैं ताकि गाड़ी हैंडओवर की जा सके। अब चेक कर रहे हैं गाड़ी के वॉशर, वाइपर, हेडलाइट्स, उसके डिपर, अपर बीम, लो बीम, गाड़ी के सारे इंडिकेटर्स। सो फाइनली गाड़ी में के ब्रेक क्लीन किए गए हैं, जो सामान उसमें डालना था वो डाल दिया गया है और अब गाड़ी की होगी अलाइनमेंट चेक। तो अब होगी गाड़ी की फाइनल टेस्ट ड्राइव। गाड़ी के अंदर हमारे डला है इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड, ड्रेन प्लग की गैस्केट और बैटरी का एसिड। जो काम अब आपको नहीं कराने हैं वो है ड्रेन प्लग, अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, टोटल बॉडी क्लीनिंग, एयर फिल्टर एंड कैविटी फिल्टर चेंज। ये सिर्फ क्लीन होने से काम हो जाएगा जैसा आपकी सर्विस बुक कहती है। अब होगी हमारी गाड़ी की वॉशिंग और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बाकी की जानकारियाँ।
पेमेंट हमने कर दी है, तो चलिए चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कितना हमारा बिल आया, क्या क्या हमने काम कराया और किस तरीके से आप अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। फाइनली गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, सारा काम होने के बाद हम मारुति के शोरूम से बाहर आ चुके हैं। बिल आया है मेरा 3427 रुपये। मैं आपको सारा ब्रेकअप वीडियो के अंदर डाल दूंगा। और गाड़ी की कंडीशन अब पहले से बहुत अच्छी हो चुकी है, गाड़ी धुल चुकी है, चमक चुकी है। बाहर की वॉशिंग में और मारुति की वॉशिंग में बहुत फ़र्क मैं हमेशा महसूस करता हूँ। जब भी बाहर से गाड़ी धुलती है और जब भी मारुति से गाड़ी धुल के आती है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। गाड़ी एकदम चमक चुकी है। तो दोस्तों, कल हमारी गाड़ी की फोर्थ सर्विस जो कि 20,000 किलोमीटर पर होनी थी, वो हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ गाड़ी में क्या क्या काम हुआ था और आप अपने कुछ पैसे कैसे बचा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक वीडियो मैंने थर्ड सर्विस के लिए बनाया था कि आपको क्या क्या काम कराना है ये कैसे पता चलेगा। उसके लिए आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हो इग्निस की थर्ड सर्विस के बारे में। आपको करना क्या होता है, ये वाली बुक आपको बस फॉलो करनी है कि आपको किस सर्विस पे क्या काम करवाना है और आपके पैसे बर्बाद होने से बच जाएंगे। आप इसको खोलेंगे, इसके अंदर आपकी सर्विस के बारे में लिखा होगा, कितने किलोमीटर और कितने महीने वाली सर्विस में क्या क्या काम करवाना है, बस आपको वही काम करवाना है। तो जो आपकी गाड़ी में इस सर्विस बुक में काम लिखा है, सिर्फ आपको वही कराना है। अगर आपकी गाड़ी में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है तो। अब मेरे केस में क्या हुआ था, मुझे सर्विस एडवाइज़र ने सजेस्ट किया था कि मैं थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग करा लूँ जो कि 650 रुपये की थी, कैलिपर पिन में ग्रीसिंग करवा लूँ जो 150 रुपये था प्लस 550 रुपये शायद लेबर चार्ज था, इसके अलावा अलाइनमेंट बैलेंसिंग। अब अलाइनमेंट बैलेंसिंग वैसे तो सर्विस बुक में नहीं लिखी होती है, लेकिन आपको टाइम टू टाइम करा लेनी चाहिए। मेरी अलाइनमेंट एक फ्री थी जो कि इंश्योरेंस के बाद मुझे कम्प्लीमेंट्री मिली थी, तो अलाइनमेंट मैंने वो करा ली। और बैलेंसिंग मैंने मारुति से नहीं करवाई क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा नहीं था, इनकी बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा महंगी पड़ी थी, तो वो मैं करवाऊंगा MRF वालों से, वो हमेशा मुझे सस्ती पड़ी है। पूरा अलाइनमेंट बैलेंसिंग मुझे लगभग 550 से 600 के बीच कॉस्ट करता है। तो आपको ध्यान बस इतना रखना है, जब भी आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने जाएं, अपनी सर्विस बुक पे नज़र ज़रूर मार लें, उसमें जो जो काम लिखा है सिर्फ वही कराएं, जब तक आपकी गाड़ी में एक्स्ट्रा कोई परेशानी आप महसूस ना कर रहे हो। एडवाइज़र आपको सलाह देते हैं, आप सुनिए और उसको मना कर दीजिए, क्योंकि मारुति ने आपको सजेस्ट किया है वही काम करवाइए। तो सर्विस होने के बाद गाड़ी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत अच्छी चलती है। ये था हमारा मारुति की फोर्थ सर्विस का एक्सपीरियंस। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस देखते रहने के लिए अपना प्यार बनाते रहिए। यदि आपकी कोई क्वेरीज है या मैंने वीडियो में कोई गलत बात बताई है उसको आपको ठीक करना है, तो कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।